हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। आई एम आकांक्षा और ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी क्वांटम नंबर्स के और मैं आपको इतनी इजीएस्ट ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n = 4। सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग ms वैल्यू ऑफ -1/2 फॉर n = 4। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं। पहला तो अगर हमें शेल नंबर पता है तो सबशेल्स की वैल्यू पूछी गई है कितनी हो सकती है, और अगर शेल पता है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में होंगे ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो बहुत लेंदी वे है सॉल्व करने का, पूरा ड्रॉ कीजिए पूरा फिर सॉल्व कीजिए, और दूसरा है इजीएस्ट वे, बस वन लाइन वे। तो चलिए पहले इजी वे देखते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स रिमेम्बर रखने होंगे, याद रखने होंगे। पहला है नंबर ऑफ सब शेल्स, और वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू n, दैट इज इक्वल टू शेल नंबर। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे गए हैं तो हम निकालेंगे इसको n² से। और थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2n²। तो ये बेसिक और इजीएस्ट फॉर्मूलाज है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो पूछ रहे नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विद n = 4। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबशेल = n, सो n will be 4, so our subshell will also be 4। अब ये तो easiest way हुआ। अब देख लेते हैं लेंदी वे में कैसे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। सो इफ n = 4 तो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एल, एल की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एल हमारा सबशेल है। तो n = 4 के लिए सबशेल्स की वैल्यू हो जाएंगी 0, 1, 2 एंड 3। ये वैल्यूज होंगी, काउंट कर लीजिए जैसे 1, 2, 3, 4। हाँ, कितनी वैल्यूज हैं, 4 आ रही है। तो चाहे तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर इजीएस्ट मेथड एंड द शॉर्टेस्ट वे जो कि टाइम सेविंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -1/2। तो अगर यहाँ पर सबसे पहली बात तो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पिन -½ है। तो हमें पता है कि किसी भी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से आधे प्लस स्पिन के होते हैं और आधे माइनस स्पिन के होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे किसी शेल में और फिर उसको हाफ कर देंगे तो हमारे माइनस स्पिन वाले निकल आएंगे। चलिए देखते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी 2n²। चलिए फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यूज, 2 × n की वैल्यू है 4²। So, ये हो जाएगा 4×4 = 16 एंड 16×2 = 32। तो ये तो हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n = 4। अब मैंने क्या कहा, इस 32 इलेक्ट्रॉन में से आधे जो होंगे वो प्लस स्पिन के होंगे और आधे माइनस स्पिन के होंगे। तो 32 का हाफ कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा आंसर अपना 16 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव -1/2 वैल्यू या -1/2 स्पिन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं, ये तो स्मॉलेस्ट ट्रिक थी, इजीएस्ट ट्रिक थी। लेंदी वे में करके देखते हैं सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर n = 4 है तो l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास, 0, then 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3। अब 0 के लिए देख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ml की वैल्यूज देख लीजिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। 1 सेकेंड, इसमें एक ऑर्बिटल हो जाएगा जीरो, इसमें तीन ऑर्बिटल हो जाएंगे -1 0 +1, इसमें -2 -1 0 +1 +2 और इसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। चलिए इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, ये प्लस स्पिन का और ये माइनस स्पिन का। ठीक है, जीरो में केवल एक ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस का एक माइनस का। वन में देख लेते हैं, तीन ऑर्बिटल हैं तो टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से 3 प्लस और 3 माइनस। यहाँ पर 5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दस में से 5 जो कि माइनस स्पिन के लिए, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। इस वाले में माइनस स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 और इसमें 1, 9। इन सबको एड अप करिए जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं। 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16 और यही हमारा आंसर है। 16 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द माइनस वैल्यूज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसी तरह के और वीडियोस आपको पसंद हैं और आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए केमिस्ट्री नगेट्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।